सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो यार कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उन न्यूज को भी आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बीजेएमआई के साथ। तो कल की वीडियो परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक एमएलए की अपील के बारे में, जिन्होंने लेटर लिखा था मोदी जी को, तो उसी पर स्काउट से उनका ओपिनियन पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि बीजेएमआई बैन नहीं होगा। ऑल्सो डायनेमो से भी जब उनका ओपिनियन पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पहली बात ये कौन है वो नहीं जानते, दूसरी बात वो नहीं जानते कि क्या लिखा है। एंड 420 ओपी ये कहते कि सिंपल तीन लाइंस में आपको बताता हूँ, बीजेएमआई इज मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड मेड फॉर इंडियंस। ऑल्सो क्रॉन्टन का ये कहना है कि जिनको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जीरो नॉलेज है वो पता नहीं क्यों बोलते हैं। ऑल्सो बीजेएमआई के न्यू पोस्ट को देख करके गजब कमेंट यार हमें देखने को मिला, वो ये कि एनर्जी ड्रिंक को यार रिप्लेस कर दिया जाए अगर चाय के साथ, मतलब कसम से यार फिर तो लेवल 3 का बैग भर दूंगा चाय से। हैशटैग चाय इज लव इन द कमेंट्स। खैर यार बैक टू बीजेएमआई, तो आप समझ सकते हो कि बीजेएमआई बैन नहीं होगा इंडिया में एंड जल्दी लॉन्च होने वाला है, तब तक आप चाय की चुस्कियां लेते रहो। अब बात कर लेते हैं टीम जी के बारे में। तो रिसेंटली टीम जी जब विलेजर स्क्रिम्स खेल रही थी तो उनके स्लॉट में फोर्थ बंदा था जिसका नाम था कलाना कल, एंड ऑडियंस काफी ज्यादा स्पैम करने लगी कि वो रेगल टॉस है। बट सांगवान कहते हैं कि ये कोई रैंडम बंदा है जिसको पता नहीं कहां से पासवर्ड मिल गया। बट चीजें जब ज्यादा हाइप होने लगी, क्योंकि बीच बीच में ऑडियंस को डाउट होने लगा कि वो रेगल टॉस है, तो सांगवान ने फोर्थ बंदे से पूछा कि वो कौन है। उसके बाद फिर कलानकल टाइप करके ये कहते हैं कि ऑफ स्ट्रीम वो सांगवान को बताएंगे कि वो कौन है, और सो कलानकल ये भी कहते हैं कि वो रेगल टॉस नहीं है। वेल आपको क्या लगता है कि कलानकल आखिर कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्यों लगता है वो भी बता देना। अब बात कर लेते हैं सिमर सेट्टी के बारे में। तो हाल ही में उन्होंने एक शॉर्ट क्यूएनए सेशन किया था इंस्टाग्राम पर, जहां पर काफी सवाल पूछे गए थे। उसी में से एक ये था कि उनके दिल में एसटीएल को लेकर के कोई हेट्रेड है क्या, तो वो रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहते हैं कि कोई हेट नहीं है, उल्टा प्यार है एंड गोल्डी भाई जॉर्ड है। तो यार अब बात कर लेते हैं हमारे ही बारे में। तो यार आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि फ्री एरा जो कि वन ऑफ आवर चैनल है उसने 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, सो थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। खैर अब बात कर लेते हैं मावी के बारे में। तो रिसेंटली मावी जब लाइव खेल रहे होते हैं तो उनकी लाइव में वापस से सोल मावी स्पैम हो रहा होता है, तो उन्होंने ये कहा कि वो सोल से नहीं खेल रहे एंड उनकी खुद की टीम बन रही है, जब बन जाएगी तो वो रिवील कर देंगे। वेल आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्योंकि कल आना कल को काफी लोग रेगा से रिलेट कर रहे हैं जो जी से खेल रहे थे एंड वही मावी खुद की टीम बनाने की बात कर रहे हैं। तो अब आपको इस ओवरऑल सिनेरियो पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं रौनक के बारे में। तो अगर बात करें रौनक के लाइनअप की, तो रौनक जल्दी फ्यूचर स्टेशन की ऑफिशियल लाइनअप ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं एंड हो सकता है जल्दी अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं राका जोन के बारे में। तो रिसेंटली राका जोन लाइव यूट्यूब सर्च कर रहे थे, जहां पर वो एक वीडियो प्ले करते हैं जिसके 50 मिलियन व्यूज थे एंड वो कोई सॉन्ग या गेम नहीं। उस वीडियो में यार सिर्फ एक लड़की उल्टा घूम करके पत्थर फेंक रही थी एंड इस पे यार उनका और ऑडियंस का यही मानना होता है कि यूट्यूब डेड हो चुका है। खैर अब बात कर लेते हैं पारस ऑफिशियल वाईटी के बारे में। रिसेंटली आपको मैंने जैसे कि 2 दिन पहले बताया था एमएलए के ट्वीट के बारे में, तो काफी लोगों ने रिएक्ट किया था जो इस वीडियो में पहले ही मैं बता चुका हूं। एंड इसी के चलते एक बंदा है जिसका नाम है पारस ऑफिशियल, अब इसके 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो पबजी के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता है, और हाल ही में उसने एक वीडियो बनाई बीजेएमआई बैन के बारे में, जहां सिर्फ ये क्लेम नहीं किया कि बीजेएमआई बैन हो रहा है बल्कि काफी सारे लोगों को उल्टा सुल्टा बोलने लगा और ये क्लेम करने लगा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग इंडियंस नहीं है और दुनिया भर का हेट्रेट फैलाने लगा, वहां के एमएलए को उल्टा सुल्टा बोलने लगा, उनके फेस का मजाक बनाने लगा। अब यार हर चीज की एक लिमिट होती है और इसने वो लिमिट क्रॉस कर दी एंड उसके अगेंस्ट काफी सारे लोगों ने लीगल एक्शन लेने का डिसीजन लिया। इनफैक्ट उसके अगेंस्ट लोगों ने एफआईआर भी फाइल कर दी है। यार पता नहीं ये बंदा स्कूल जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि उसको इतना भी नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश अपने ही इंडिया का वन ऑफ ब्यूटीफुल स्टेट है, क्या ही बोले। तो यार इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन की बात चली रही थी कि इसने एक अपोलॉजी वीडियो अपलोड करी जिसमें अपोलॉजी कम खुद को डिफेंड ज्यादा कर रहा था। उसके बाद उसके यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो अपलोड होती है जिसमें उसकी मदर सबसे अपोलोजाइज कर रही होती है एंड ये कहती है कि पारस को कुछ लोग उठा के ले गए एंड पता नहीं वो कहां है बट वो सॉरी फील कर रही है। आई डोंट नो कि यार उठा के लेके जाने वाली बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, बट गाइस पर्सनली जो सबसे ज्यादा खराब लगा मुझे वो ये कि बेटा गलती करे और माफी माँ बाप मांग रहे हैं, क्या ही बोलूं यार। आप सबका यार क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यार यही थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एम करते हैं 11,000 लाइक्स के लिए। तो बस यार अब मैं भी चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।